नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट 24 आईना सच का। मैं आपके साथ एनी वर्मा। आइए रूबरू कर बातें हैं देश की कुछ खास खबरों से। सीतापुर में पुलिस का इकबाल रसूखदार लोगों के सामने कमजोर नजर आ रहा है। यहां पर 5 माह पहले एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना दबंगों द्वारा अंजाम दी जा रही है। पीड़िता के परिजन की शिकायत पर पुलिस मुकदमा भी दर्ज करती है, लेकिन न जाने क्यों इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी नहीं करती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी रेप जैसे घिन्न अपराध पर भी गिरफ्तारी न होने से आरोपियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि वे आए दिन पीड़ित परिवार को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाने लगे। रोज रोज धमकी मिलने से डरे हुए परिवार ने गांव में पलायन करके लखनऊ में अपना नया डेरा बना लिया। इतना ही नहीं, सभी बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। वह पीड़ित परिवार इतना सहमा हुआ है, उसने गांव के अपने मकान को भी बेचने के लिए विज्ञापन अपनी दीवार पर लगा दिया है। आपको बता दें कि बीती 14 अगस्त को थाना कमल रुआव के लोधेरी के 16 वर्षीय एक लड़की अपने खेतों की तरफ गई थी। वहीं पर गहले में घात लगाए गांव के ही रंजीत सिंह व मनोज सिंह ने उसे पकड़ लिया। पीड़िता ने बहुत विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दोनों हैवानी के आगे उसकी एक न चली। दोनों आरोपियों गैंगरेप की वारदातों को अंजाम दे दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी न जाने किस दबाव में व रसूख की वजह 4 माह घटना के बीच जाने के बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की। घटना को गुजरे 4 माह से ज्यादा जरूर बीत गए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक पीड़ित परिवार को ही भुगतना पड़ा है, क्योंकि पहले तो घर की बेटी ही अस्मत लूटी गई, उस पर पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की। परेशानियां इतने पर भी खत्म नहीं हुई। बेखौफ आरोपी आए दिन घर आकर पीड़ित परिवार को धमकाने लगे, केस वापस ले लो वरना और भी ज्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। रोज रोज की धमकियों से परेशान परिवार पुलिस की तरफ से मदद न मिलते देखकर लखनऊ पलायन कर गया। सभी बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। यहां तक डरे परिवार ने घर को बेचने के इरादे से घर के बाहर एक अर्जेंट मकान बिकाऊ एक नोटिस भी चस्पा कर रखा है। कप्तान या कोर्ट यहाँ सब कहूँ जा चुके, नहीं कोई मानना इतना। अच्छा। फिर उसके बाद में हम लखनऊ के यहाँ डीजीपी साहब हुए गए नहीं 4 बार। अच्छा। और 2 बार जा चुके हैं महिला आयोग के। आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही, क्या कोई दबाव बना रहा है या मतलब? हाँ सर, वो अजीत सिंह के भी रिश्तेदार हैं, कोई कंडीशनल कोई है वहाँ पर। एडिशनल? हाँ। कहाँ तैनात था? सीतापुर। सीतापुर रहा तो वही मतलब कोई काम आगे नहीं बढ़ा देते रहे, सब झूठ मूठ बका रहे हो सबका। सर कोई ऐसा हो सकता है, कोई अपनी औलाद के यहाँ इतना वाली है।